जय महाराष्ट्र, जय जय पुणे। भाई और बहनों, आप सभी का मैं कासिम शेख इस चैनल का होस्ट और आपका प्रिय मित्र दिलो जान से स्वागत करता हूं पुणे प्रॉपर्टी व्यूज में। जैसे कि ये हमारा जो चैनल है ये प्रॉपर्टी का चैनल है, मगर मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी का चैनल नहीं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ नजारे अब देखने हैं, बहुत कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं या आपको घर फ्लैट जगह बंगलो चाहिए और आप तय करते हैं, आप बताते हैं अपनी फैमिली में कि अब हमें बड़ा घर खरीदना है, चलिए हम बात करेंगे। आप ये बताते हैं फैमिली में और उसके बाद में आप गूगल के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं प्रॉपर्टी, मगर वहां पे सारे के सारे आपको एजेंट ब्रोकर के नंबर मिलते हैं। उस कारण आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। याद रखिए, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर आपस में आप झगड़ा करते हो। अरे मेरे भाई और बहनों, आपस में प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए पुणे प्रॉपर्टी व्यूज ने काफी सारे प्रॉपर्टी के वीडियो और डायरेक्टली जो ओनर है उनके नंबर लाए हैं। और पुणे प्रॉपर्टी व्यूज पे आप अगर ये वीडियो देखोगे आज का पूरा, तो आपको पता लगने वाला है कि पुणे प्रॉपर्टी व्यूज पे सिर्फ रियल एस्टेट की जानकारी नहीं मिलती है, बहुत कुछ हम आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आज हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये वीडियो लाया है और बहुत ही स्पेशल आपके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आगे देखते रहिए, हम आपको काफी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और कॉमेडी चुटकुलों का सफर चलते रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई और बहनों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आज रियल एस्टेट के साथ में हम आपको कॉमेडी चुटकुलों का भी सफर तय करने वाले हैं। कॉमेडी में आपको सुनने मिलने वाले हैं चिंटू जी के नए पुराने तराने, यानी के पुरानी यानी के अलग अलग स्टोरी और चुटकुलों से भरा ये रियल एस्टेट का सफर आपके लिए हम शुरुआत करते स्टार्ट करते हैं। तो पेश है खिदमत, चिंटू ने मम्मी जी से कहा। अब क्या कहा और कैसे कहा चिंटू ने मम्मी जी से? मम्मी जी को पूछ रहा था चिंटू, क्या मैं भगवान के तरह दिखता हूं? तो मम्मी ने मुस्कुराते कहा, मम्मी ने देखिए मुस्कुराते हुए मम्मी ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो चिंटू बेटा? चिंटू ने कहा मुस्कुराते हुए, थोड़ा डगमगाते हुए, थोड़ा छुपचे छुपाते हुए कि मम्मी मम्मी, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सभी लोग यही कहते हैं कि हे भगवान ये फिर से आ गया। देखिए चिंटू के प्यार जो होगा आपके लिए। भाई और बहनों, सफर आगे भी चलता रहेगा। मैं इतना कहूंगा कि ये जो वीडियो है इसको पूरा आप देखें, जैसे कि आपने जो टाइटल देखा था उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर उससे पहले और एक चुटकुला पेश करता हूं आपकी खिदमत में। भाई और बहनों, चुटकुलों का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे याद आ रहा है कि हमारे बाजू में, घर के बाजू में एक फैमिली रहा करती थी। अब वहां पे जो है ना आए दिन कुछ ना कुछ कॉमेडी चला करती थी
और बहुत ही मजा आता था वो कॉमेडी आवाज। और हमने ऐसा तय किया उस दिन कि उनकी आवाज सुनना चाहिए। तो हम ऐसे अचानक गए और हमारी तकदीर भी इतने बुलंद थे कि जो बंदा था उसके पापा जो है उन्होंने थोड़ी ड्रिंक की थी। अब ड्रिंक की तो जाहिर बात है कॉमेडी होना लाजमी ही होगा, सही ना। तो अब हमने जाके दरवाजे की खिड़की के पास जाके सुन लिया अब पापा जो है बेटे से किस तरह से बात कर रहे थे। हाजी पापा जो है बेटे से किस तरह से बात कर रहे थे, नालायक तुमने, हाँ नालायक तुमने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की, उन्होंने बेटे से कहा। अब बेटे ने जो है ना देखिए क्या जवाब दिया। ओके, बेटे ने पिता से कहा, पिताजी मुझे पता है मैंने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की, मगर वो आपको जलाने के लिए की है। पापा मुझे किस बात की जलन है और क्यों ऐसे कर रहे हो, बेटे ने कहा। बेटे ने देखिए बेटे ने किस तरह से कहा, क्योंकि आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो मम्मी से। इस तरह से कॉमेडी होती है, देख लिया आपने, यही होता है ऐसा। भाई और बहनों, जैसे कि ये रियल एस्टेट का चैनल है और मेरा नाम कासिम शेख है और ये पुणे प्रॉपर्टी व्यूज चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये जोक आप सुन रहे हैं। पहली बार आपको पुणे प्रॉपर्टी व्यूज में इस तरह की फुल कॉमेडी वाला वीडियो आपको मिल रहा है। और इसी प्रकार से अगर ये रियल एस्टेट का चैनल है तो जाहिर बात है कोई तो भी रियल एस्टेट की बात भी होनी चाहिए ना। तो अब हम सब लोग होटल में बैठे थे, हमारे मित्र और हम होटल में बैठे थे। अब एक मित्र ने कहा कि एक मालिक ने एक किराएदार से कहा कि तुम घर खाली कर दो। अब वो किराएदार ने देखिए किस तरह से मालिक से कहा। अब वो बात जो है बहुत ही कॉमेडी तरीके से वो बंदे ने मालिक से कहा। अब मालिक जो है आपने घर जो है किराए से जो घर मकान जो दिया था उन्होंने, वहां पे जाके उस दरवाजे की चौखट पे जाके खड़े होके वो मालिक ने अपने किराएदार से कहा कि आपने देखिए जनाब, आपने एक साल से घर का जो मकान है मेरा खुद का मकान उसका आपने, हाँ मेरा खुद का मकान है ना यार, पूरा एग्रीमेंट है, पूरे नाम पर दस्तावेज है, मेरा खुद का मकान, मैं मालिक हूं उस घर का, उसका आपने किराया नहीं दिया, अब आपका फर्ज बनता है अब तुरंत खाली कर दो। अब इसी प्रकार से जो किराएदार है उसने जो कहा ना मालिक को, बहुत ही मजेदार तरीके से कहा, जनाब हमने आपका, हाजी हमने आपका मकान लिया किराए से, बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतने साल सब्र किया तो थोड़ा और सब्र करने की आपको जरूरत है, अब ऐसा अन्याय तो मुझ पे ना करें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 12 बच्चे हैं और मैं मेरे बच्चे और मेरा ये सामान लेके कहां जाऊंगा, मगर मुझे ये पता है कि मुझे बिना किराया देके तो नहीं जाना चाहिए ना, तो मैं आपका किराया दिया बिने चला नहीं जाऊंगा। ऐसा भी होता है क्या मालिक के साथ में किराएदार की बात? अरे ये क्या कॉमेडी है।